नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीरो सर्वे की चौथी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि देश की करीब 40 करोड़ आबादी अब भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। 6 साल से अधिक उम्र की आबादी के 2/3 हिस्से में सॉर्स COV2 एंटीबॉडी पाई गई है। जून और जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में किए गए सर्वे में 28,975 से अधिक लोगों के अलावा 7,252 स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल किया गया है। वहीं सर्वे में कुल 67.6% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ICMR ने बताया है कि 6 से 9 साल की उम्र के बच्चों में एंटीबॉडी 57.2%, वहीं 10 से 17 उम्र में 61.6%, वहीं 18 से 44 साल के लोगों में 66.6%। साथ ही बात करें अगर 45 वर्ष के लोगों की तो 45 से 60 उम्र में 77.6% और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में 76.7% एंटीबॉडी पाई गई है। दिसंबर जनवरी 2021 में किए गए तीसरे दौर के सीरो सर्वे में एंटीबॉडी 24.1% पाई गई है। तो सीरो सर्वे में एंटीबॉडी को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। ICMR ने यह बताया है कि 6 से 9 साल की उम्र के बच्चों में एंटीबॉडी अगर बात की जाए तो 57.2% है, वही 10 से 17 उम्र में 61.6% है, साथ ही 18 से 44 साल के लोगों में 66.7%, वही 45 से 60 उम्र में 77.6% और 60 साल की अगर बात की जाए तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में एंटीबॉडी 76.7% पाई गई है। वही दिसंबर जनवरी 2021 में किए गए तीसरे दौर के सीरो सर्वे में एंटीबॉडी 24.1% पाई गई। वही देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज और आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मुंबई कोंकण क्षेत्र के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं सहारनपुर में जहां नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और BDC सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर देवबंद में लगभग 70 BDC सदस्यों ने शपथ ग्रहण बहिष्कार किया है। एक होटल में देवबंद से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारी नीतीशा राणा के पति कार्तिकेय राणा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान एक BDC सदस्य ने मीडिया को बताया है कि हमने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है। उनका यह आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख के दूसरे कैंडिडेट ने धोखे से जीत हासिल की है और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव हारी नीतीशा राणा ने बताया है कि जो शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे सभी BDC यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने हमें वोट किया था और जो हमारे सपोर्ट में हैं। BDC हैं जिन्होंने हमारे लिए वोट किया था, जो हमारे सपोर्ट में हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, सबने उसका बहिष्कार किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है और हमें चीटिंग से हराया गया है, इसलिए यहाँ पर आए। हमने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है, हम उसमें नहीं जाएंगे और हम कार्तिकेय राणा के साथ हैं और नीतीशा राणा। वजह क्या है जो आपने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया? वजह क्या है? उन्होंने धोखे से अपनी जीत हासिल की है और जो इनकी ज़्यादा वोट थी सरकार के नियमानुसार और सरकार के आदेश पे पूरे प्रदेश में सभी जनपदों पे जितने ब्लॉक है आज उन्हीं ब्लॉक प्रमुखों की व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह है। चूँकि 10 तारीख को जब मतगणना हुई थी
10 तारीख को जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ बैठे हैं, 70 प्लस से ऊपर है, 102 टोटल है, उनमें 70 से ऊपर यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन लोगों ने अपने आप को छला महसूस करा और उन्हें उनके साथ धोखा करा गया। उन्होंने अपने मत का उपयोग करा ईमानदारी से, लेकिन उनकी मत गणना के दौरान उनकी मत की कई गिनती नहीं हुई। उसके विरोध में आज सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया संयुक्त रूप से कि वे लोग जो आज की शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कोई भागीदारी नहीं करेगा, सब उसका संयुक्त। वही अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। एसडीएम रमेश चंद्र यादव ने ब्लॉक प्रमुख को शपथ ग्रहण दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान जगह जगह पुलिस बल मौजूद रही। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान हजारों संख्या में भीड़ उमड़ी दिखाई दी है। तो कानपुर देहात से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एसडीएम रमेश चंद्र यादव ने ब्लॉक प्रमुखों को शपथ ग्रहण दिलाई है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण के दौरान जगह जगह पर पुलिस बल मौजूद रही। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने भी शपथ ग्रहण की। साथ ही शपथ ग्रहण के दौरान हजारों संख्या में काफी भीड़ मौजूद दिखाई पड़ी। वहीं रामपुर के कोतवाली बिलासपुर के भाकड़ा नदी में पुलिस के सामने एक युवक नदी में कूद गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस युवक को बचाने के बजाय तमाशा देखती रही। आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में युवक डूबता रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वहीं परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस ने युवक को मदद नहीं की है और इसी को लेकर परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। युवक की मौत से परिजनों में काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। तो रामपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक युवक नदी में छलांग लगा दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है यहां पर कि पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। वहीं मृतक के परिजनों ने अब ये मांग की है कि इस मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाए। वहीं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लखनऊ वासियों को इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात दी है। यात्रियों की बेहतर सुविधा को देखकर खास इलेक्ट्रॉनिक बसें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग प्रदेश में 700 बसें चलाएंगे, जिसमें लखनऊ में कुल 100 बसें बेहतर सुविधा देंगी। इसी के साथ ही महिला सुरक्षा को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बसों को 112 से कनेक्ट किया गया है। छेड़छाड़ या अभद्रता होने पर महिला 112 पर कॉल करते समय बता सकती है। महिलाओं के अलावा विकलांग यात्रियों के लिए बस बेहतर सुविधाओं से लैस है। फिलहाल आज से लखनऊ के सड़कों पर 4 इलेक्ट्रॉनिक बसें ट्रायल पर दौड़ेंगी और 1 महीने बाद पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी और ये भारत सरकार की फेम 2 योजना के तहत 600 बसें और 100 बसें पूर्णतः प्रदेश सरकार के संसाधनों से, और ये पूरी योजना 965 करोड़ रुपए की है। 965 करोड़ रुपए की पूरी योजना है और जो हमारे बड़े महानगर हैं लखनऊ, कानपुर, आगरा, इनमें 100-100 बसें चलाई जाएंगी और उसके बाद प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद, इन शहरों। तो लखनऊ के लिए अच्छी खबर साबित हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बसों की सुविधाएं अब लोगों को मिलने वाली है। खास तौर पर अगर महिलाओं की यहां पर बात की जाए तो महिलाओं के लिए ये बेहतर सुविधा होने वाली है क्योंकि इन बसों को 112 से कनेक्ट किया जाएगा, जिस दौरान महिला से अगर अभद्रता की जाती है या फिर किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है तो महिलाएं अपनी शिकायत 112 नंबर पर कर सकती हैं। साथ ही साथ विकलांगों के लिए भी ये बेहतर सुविधा से लैस बसें होंगी। वहीं आजमगढ़ जिले के सभी 22 ब्लॉक के नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संबोधित ब्लॉक मुख्यालय पर शपथ दिलाई गई है।
बताते चले कि जिला मजिस्ट्रेट के जरिए नामित अधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह को दो पाली में चलाया गया। यहाँ सुबह 11 बजे से और दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई थी और हर पाली में 11-11 ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। जिला मुख्यालय से सटे पलहनी ब्लॉक पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बहुत खुशी की बात है, आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बड़ी मेहनत से अपने प्रमुख को चुना है, उसका शपथ ग्रहण है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, सारे लोगों की के सहयोग से अब आगे बढ़ना है, क्षेत्र का काम करना है, आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आजमगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह दो पाली में हुआ जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहा। साथ ही साथ हर पाली में 11-11 ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय से सटे पलहनी ब्लॉक पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो आजमगढ़ से एक खबर बता रहे हैं जहां पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि दो पालियों में यह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें कि एक पाली की बात की जाए तो 11-11 लोगों ने यहां पर शपथ ली है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय से सटे पलहनी ब्लॉक पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रुक करते अगली खबर की ओर। ताजनगरी आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान शिव का पवित्र सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास में पूरे देश में कांवड़ चढ़ाने की बरसों पुरानी परंपरा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से लेकर जहां जहां से गंगा जी निकलती हैं, वहां से श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने योगी सरकार से अपील की है कि जैसे शादी और राजनीतिक प्रोग्राम की परमिशन संख्या निर्धारित करके दी जा रही है, उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा की भी परमिशन दी जाए। देखिए, ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है कि श्रावण मास शुरू होने वाला है। यहाँ प्राचीन से मंदिर हैं और तरह तरह के मेले और आयोजन का कार्यक्रम होते हैं। वहीं मंदिरों के आसपास अवैध रूप से मीट शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जिस तरह से दुकानें खोली गई हैं, मठ और मंदिरों पर आने वाली महिलाओं पर और जो वहाँ पूजा पाठ के लिए आता है उनके मन में गलत भावनाएँ आती हैं, जिसलिए हमने ये ज्ञापन दे के केवल इन्हें चेताया है कि ये जो दुकानें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। कहीं पूर्व की तरह ज्ञापनों को टोकरी में डालने का कार्य जिलाधिकारी महोदय ना करें, क्योंकि जिस तरह से ज्ञापनों को टोकरी में डालने का कार्य आगरा में किया जा रहा है, ये हिंदू महासभा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन दुकानों को बंद कराने में जिलाधिकारी और यहाँ का आगरा का शासन प्रशासन सक्षम नहीं है, तो हिंदू महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसी दुकानों को बंद कराने के लिए सक्षम है। वही अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर 13 ब्लॉकों में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इसी क्रम में विकासखंड खजुहा मुख्यालय में नवनिर्वाचित सुनीता उत्तम ने ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद अपने नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के लिए जिले से नामित नोडल अधिकारी प्रभागीय वन निदेशक रामानुज त्रिपाठी ने ब्लॉक प्रमुख को शपथ दिलाई है। वहीं पद ग्रहण समारोह में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मुख्यालय के प्रांगण में खड़े हुए हैं, जहां पर आज नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी भी उपस्थित रहेंगे। हम आपको पंडाल का भव्य नजारा दिखाते हैं कि जहाँ पर पब्लिक के साथ यहाँ पर अपने नए ब्लॉक प्रमुख पद का स्वागत करने के लिए आतुर है, वहीं पर हम शपथ ग्रहण समारोह के परिसर को भी दिखाएंगे, जहां पर वहां कितनी भव्यता के साथ इसको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह का जो मंच है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।